सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजी की प्रवेश प्रक्रिया के ऊपर। और पीजी की प्रवेश प्रक्रिया फ़िलहाल चल रही है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म भरना चाहिए और किन सब्जेक्ट से आप भर सकते हैं, किन सब्जेक्ट से नहीं भर सकते हैं, सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, रेगुलर में सेमेस्टर सिस्टम कैसे लागू होगा और प्राइवेट में क्या सेमेस्टर सिस्टम रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सारी बातों को लेकर के एक विस्तृत वीडियो है ये। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको पूरा देखें और उसके आधार पर तय करें कि आपको एमए जो है रेगुलर करनी है, प्राइवेट करनी है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट में लेना है। तो ये एक समग्र सा वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ढंग से देखें। और जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं बेटा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के तौर पर अपनी सेवाएं जो है राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में दे रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर पाएंगे और आपके कुछ डाउट्स हैं उनको दूर कर पाएंगे। एक डाउट सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को भी है कि वो जो है रेगुलर का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कई बच्चों के मन में डाउट है उसको लेकर के, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन से दस्तावेज पीजी के फॉर्म में चाहिए उसको लेकर के भी ये वीडियो जो है एकीकृत रूप में है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे कॉलेज से होम साइंस विषय में और GPM जैसे विषय में पीजी होती है, तो ये विषय क्या है, क्या फीस है, इसको लेकर के भी चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। मैं शुरू करना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले तो बेटा जो प्रक्रिया चल रही है ये 6 तारीख तक चलेगी। आप लोग 6 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे और आज जो है 26 तारीख हो चुकी है तो ऑलरेडी ये प्रोसेस को चलते हुए 5 दिन हो चुके हैं। और इसी प्रोसेस के साथ मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि आज नवरात्रा स्थापना दिवस है तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग इन नवरात्रों में खुद को सुखी और स्वस्थ रखें, माता रानी आपको सुखी रखे, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। हाँ देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा अब यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा कि डेट आपको पता है 12 तारीख को इसका कट ऑफ आएगा और 12 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, 17 तारीख तक फीस जमा होगी। ये तो तिथियां थी। आप लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसको लेकर के मैं ज़रूर आप लोग के साथ चर्चा करूँगा। देखिए एक तो आपको तीनों साल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और 10वीं 12वीं की मार्कशीट यदि आप लोग चाहें तो अपलोड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। कुछ लोग मांगते हैं कुछ लोग नहीं मांगते, लेकिन आप लोग अपलोड कर दोगे तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन BA BSc BCOM की जो तीनों साल की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। यदि किसी क्लास में सप्लीमेंट्री आई है, सप्लीमेंट्री में आप पास हुए हैं तो उसकी भी मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र को लेकर के मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर वन, देखिए सबसे पहले तो इन महत्वपूर्ण बातों पर यदि हम लोग गौर करें तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे उनमें जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल से पुराने का मतलब यह है कि अब जैसे सितंबर चल रहा है तो सितंबर 19 से पहले का जो है नहीं होना चाहिए। उससे पहले का है तो वो आपके काम का नहीं है, आप दूसरा बनवा लें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी दस्तावेज है, इसके बिना आपको जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। EWS वाले अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। सब्जेक्ट चयन या सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को क्या करना है, देखिए सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के साथ मैं पहले चर्चा कर लूँ। देखिए बेटा सप्लीमेंट्री वाले बच्चे जो हैं डेफिनेटली दे कैन अप्लाई, वो लोग जो हैं एडमिशन के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, अस्थाई उनका एडमिशन होता है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो वो जिस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है उसमें रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकते और दूसरा ये है कि उनको अपनी क्लास को पास करना ज़रूरी होगा, अदरवाइज उनका एडमिशन जो है रद्द हो जाएगा। तीसरा ये कि आपको कट ऑफ के बराबर आपकी परसेंटेज भी होनी चाहिए, नहीं तो एडमिशन होना मुश्किल होगा। यानी बाकी सब्जेक्ट में आपके नंबर जो है बहुत अच्छे होने चाहिए तब जा करके आप लोग जो है एलिजिबिलिटी पा पाते हो। अच्छा, क्या आर्ट्स का बच्चा साइंस की किसी सब्जेक्ट से MSc कर सकता है? नहीं कर सकता।
आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स से एमकॉम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एमकॉम वाले बच्चे एमए कर सकते हैं, बीकॉम वाले बच्चे एमए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बीएससी वाले बच्चे एमए कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या बीए का कोई स्टूडेंट ऐसी सब्जेक्ट से एमए करना चाहता है जो उसके बीए में नहीं रहा है? तो बिल्कुल कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में होगा क्या, यदि आप फैकल्टी चेंज करते हो तो आपकी 5% कम हो जाएगी। ये नियम है, जैसे आपकी 60% है तो मेरिट में आपकी 55 ही मानी जाएगी। जिन बच्चों के पास NSS या NCC के सर्टिफिकेट है, स्काउट गाइड के सर्टिफिकेट है, वो लोग अपने सर्टिफिकेट लगाएं। स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लगाएं, जिनके की बोनस मार्क्स आपको कॉलेज प्रशासन के माध्यम से इस पूरी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान मिल सकें। और हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ें इसी वीडियो के माध्यम से, तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि देखिए इतना हो गया, इसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है। देखिए एक तो तरीका ये होता है कि मैं हर विषय के बारे में अलग अलग बताऊं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉम्पैक्ट तरीके से सभी सब्जेक्ट के बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो आप लोग परंपरागत विषय के साथ करें, एक थोड़ा सा अलग हट करके करें। परंपरागत सब्जेक्ट कौन से हैं, इसका डिसीजन कैसे लोगे? देखिए परंपरागत सब्जेक्ट है हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये जो है बेहद परंपरा, संस्कृत, ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसी किस सब्जेक्ट में आती है, पीजी लेवल पर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आती हैं, यूजी लेवल पर किस सब्जेक्ट में आती हैं, स्कूलिंग में कहाँ कहाँ ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत होती है, या ज़्यादा सब्जेक्ट जहाँ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज स्कूल एजुकेशन में कहाँ होती है, ये सारे चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए। यदि आप लोग UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, यदि आप लोग RS देना चाह रहे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, यदि आपका टारगेट सिर्फ कॉलेज लेक्चरर है तो क्या करना चाहिए, स्कूल एजुकेशन में आप लोग जाना चाह रहे हो तो कौन सी सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जा करके आप लोग जो है एक निष्पक्ष होकर के विषय का चयन जो है मेरे हिसाब में कर पाएंगे। तो इसी दिशा में यदि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो देखिए हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 5 प्राइम सब्जेक्ट बनते हैं मेरी नज़र में, जहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आप लोग MA इन्हीं से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी होती हैं। इकोनॉमिक्स यदि आपके पास है और आप अच्छे मेहनती विद्यार्थी खुद को मानते हैं तो इकोनॉमिक्स आप लोग ले सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में रोज़गार के अवसर बाकी विषयों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। कई जगह सिर्फ इकोनॉमिक्स की स्पेसिफाइड वैकेंसी आती है, जहां MA इकोनॉमिक्स मांगा जाता है, ASO की वैकेंसी, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, SO है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, तो ऐसी कुछ भर्तियां हैं जहां IES है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, तो इनूमरेटर्स हैं, प्रज्ञकों की भर्ती, इसके अलावा जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर JMO की भर्ती, अकाउंटेंट, मतलब बहुत सी वैकेंसीज हैं जहाँ पर MA इकोनॉमिक्स मांगा जाता है, तो MA इकोनॉमिक्स आप लोग कर सकते हो। हमारे कॉलेज में होम साइंस विषय में MA है, जहाँ सेल्फ फाइनेंस में है, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो SFS करोगे, रेगुलर कोर्स नहीं होता वो, SFS होता है, जहाँ फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और साझा करना चाहूँगा, वो है और ये काफ़ी मायने भी रखता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसको थोड़ा सा आप लोग लाइट ना ले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो यह कि सेमेस्टर सिस्टम इस साल लागू होगा कोटा यूनिवर्सिटी में। सेमेस्टर सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, क्या यह सबके ऊपर लागू होगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि MA में सभी विषयों में, MCOM और MSc यानी तीनों फैकल्टी में इस साल सेमेस्टर सिस्टम कोटा विश्वविद्यालय में लागू हो रहा है रेगुलर बच्चों के लिए, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि सेमेस्टर सिस्टम इस साल 100% लागू होगा। सिलेबस और पैटर्न के ऊपर हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे जैसे ही कोटा यूनिवर्सिटी ऑफिशियली इसके बारे में अनाउंसमेंट करती है, अभी इसके ऊपर हम लोग डिस्कस ना करें तो बेहतर है। लेकिन सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि साल में 2 बार एग्जाम होना, इसका मतलब ये है कि MA, MSc, MCOM करने के लिए आपको अब 2 बार नहीं 4 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, 4 सेमेस्टर होंगे, और परसेंटेज पहले की तुलना में अच्छी बन पाएंगी, लेकिन आपको रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी के लिए रेगुलर नहीं होना है जैसा कि पहले अमूमन होता आया था। आप लोग कोशिश करें, रेगुलर रहें, रेगुलर होकर के पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर यह सिस्टम आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है,
अब बस यही है कि आप लोग कितना खुद को समय दे पाते हैं। प्राइवेट बच्चों के लिए यह है कि प्राइवेट बच्चे जो हैं अभी भी उनके लिए वही वार्षिक जो स्कीम है, एनुअल स्कीम है, वो चालू रहेगी, जारी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मुझे आइडिया नहीं है अभी कि वो लोग एनुअल स्ट्रीम को लेकर के आ रहे हैं या फिर सेमेस्टर सिस्टम को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी में तो निश्चित तौर पर एकेडमिक काउंसिल में ये फैसला हो चुका है, अखबार में भी आ चुकी है, और ये खबर जो है बिल्कुल पुख्ता है कि इस बार सेमेस्टर सिस्टम हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो कोटा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी खास तौर पर ध्यान रखें। और मैंने कल कहा था कि मैं एमए के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो मेरी तरफ से वीडियो था, हालांकि किस सब्जेक्ट से एमए करने चाहिए इसको लेकर के मैं एक और वीडियो बना दूंगा। हर सब्जेक्ट के स्कोप को लेकर के भी छोटे छोटे चार चार पाँच पाँच मिनट के वीडियो में शेयर करूंगा कि संस्कृत में क्या रोज़गार के अवसर हैं, हिंदी में क्या है, पॉलिटिकल साइंस में क्या है, पब्लिक एड में क्या है, तो इसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग फॉर्म भरें, अप्लाई करें, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं बेटा, तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो हैं चैनल को एक प्रकार से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो एक प्रकार से आधिकारिक तौर पर आप लोगों के साथ चीज़ें मैं डेफिनेटली साझा करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।